हाय गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हो, सभी ठीक हो? और ये मेरी टीम है, या मेरी टीम से आप मिल लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें, ये मैं हूँ, आपको दिन में दो बार मिलता हूँ, तो आपको क्या करना है, आना है, ठीक है? ठीक है। और ये मेरा एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग का। और इससे आपको फिर अपना गोल सेट करना, गोल सेट करने के जस्ट बाद आपको क्या करना होगा, जो हमारा प्लस है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपके, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, लैंग्वेजेस चॉइस, मिनी लैंग्वेजेस चॉइसेस आपको मिल सकते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस से। सब्सक्रिप्शन के बाद कॉन्सेप्ट क्विज करवाए जाते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको खत्म होगा जस्ट बाद आपका क्विज होगा। और इसके लाइव की फीलिंग की बात कीजिए तो क्लासरूम से बेटर फीलिंग आपको मिलती है, चैट विद एजुकेटर, इंटरेक्टिव पोल्स एंड लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 12 मंथ का, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो एस आर के लाइव जरूर यूज करें, जिससे आपके बहुत सारे, आपसे कह सकते हैं कि बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। मतलब 10% का आपको डिस्काउंट होगा, मतलब आपको 10% का डिस्काउंट होगा, कितना हो जाता है, 5400 रुपए हो जाते हैं। तो ध्यान दें, आप करें इन चीजों को, आप अप्लाई करें, ज्यादा बेटर होगा, है ना? ओके, ग्रेट। इसके बाद आपका आता है कि आप एक साल का, यदि दो साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं 24 मंथ का, तो 24 मंथ का मतलब ये होता है एस आर के, जब आप एस आर के लाइव यूज करोगे तो आपका जो फी आती है वो 8640 रुपए हो जाती है। देन आफ्टर आपका क्या करना है, मेक बैंकर की है, और इसी के बाद हम क्या का बात करने वाले हैं, सिंपल पेज है आपको। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके आया, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है, उन्हीं कॉन्सेप्चुअल में एक अलग अलग कॉन्सेप्ट क्या है, तरह तरह कॉन्सेप्ट के, एक अलग अलग कॉन्सेप्ट के लेके आएंगे बात, और उस कॉन्सेप्ट की क्या बात करनी ये देखना। कॉन्सेप्ट की बात क्या है, मैं कह सकता हूँ कि लाइन क्रॉसिंग, मतलब कह सकता हूँ कि परसेंट, मैं जो इसको मैं कहता हूं कि आपके, मैं कॉन्सेप्ट का नाम यदि मैं बात आपसे करूं तो आपको ये, आप जंक्शन है, जंक्शन टू, मतलब आपकी ये ट्रेन है, जंक्शन है, जो मान लो ये जंक्शन जीरो पॉइंट है, और इसके बाद पहले कोई प्रॉफिट हुआ, मान लो कोई लॉस हुआ, और फिर इसके बाद कोई आपका प्रॉफिट हुआ, तो मुझे इसका डिफरेंट चाहिए कि कितना कुछ डिफरेंट हुआ है, और इस डिफरेंट की बात करूं तो मेरा क्या होना है कि यदि मैं लॉस और प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या पता चल जाएगा, डिफरेंट का पता चल जाएगा। समझ आ रही बात? यदि मैं ये सारी चीजें आपको पता चल गई तो आपको ये सारी चीजें आपके साथ हो जाएंगी, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करके अभी क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, तो इससे आपको समझ आने लगेगा कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। करें, शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन जो बनता है आपके सामने, क्वेश्चन है कि अ मैन, मतलब एक आदमी है, देखना है, अ मैन हैड अ टेबल, अ टेबल, एक मैन के बाद एक टेबल है, टू सेल, क्या कर रहा है, उसे बेच रहा है, टू सेल ऑफर्ड, उसे ऑफर्ड करेगा, और ऑफर्ड क्या करता है, ऑफर्ड ऑफर्ड करता है, और ऑफर्ड को क्या करता है, सम ऑफ द मनी, यदि बात करूं सम ऑफ द मनी, मनी फॉर द टेबल, और फॉर द टेबल इज एज इट एट इज वाज 30% बिलो, मतलब 30% कम, ऐसा उसने ऑफर्ड किया कि वो टेबल से 30% कम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ द टेबल इज रिफ्यूज्ड, और उसने क्या किया कि वो मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं बेचूंगा। द ऑफर्ड सेकेंड, सेकेंड ऑफर्ड क्या होता है कि आई ऑफर्ड, उसे ऑफर किया जाता है, आई ऑफर्ड, मैंने ऑफर्ड कर दिया, आई ऑफर्ड एज 450 मोर, अब ये उसने अधिक जब ऑफर किया, तो सेकेंड ऑफर्ड क्या होता है, जब सेकेंड इसने क्या किया, जब इतने 400
मतलब 450 रुपए अधिक मोर करता है तो क्या होता है कि उसका परसेंट बढ़ जाता है। कितना हो जाता है ये परसेंट? आपका 13 था और बढ़ के वो 5% अधिक हो जाता है जब आप 450 रुपए अधिक को वो करते हो। तो पूछा कि एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, तो उसने पूछा कि एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी। एस्टिमेट वैल्यू के बाद किया कि फाइंड द टेबल ऑफ द फाइंड द सीपी ऑफ द टेबल या फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेबल। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेबल की बात करें, वैल्यू ऑफ द टेबल की आप टेबल की बात करना, ये चीजें हैं। तो आप बताओ, तो आपके पास ये मेरा है, मान लो ये मैंने लाइन करा जीरो करा, पहले मुझे 13% का लॉस हुआ था, मैंने ऑफर किया था टेबल को कितने रुपए की दोगे क्या, तो ये क्या था कि वो सीपी से जो पैसा उसने लगाया था उससे 13% कम था। कम था यस और नॉट? और जैसे उसने क्या किया कि उसने पैसा बढ़ा दिया, उसने यहाँ तक पैसा बढ़ा दिया कितना 450। जैसे उसने 450 बढ़ाता है तो उसका क्या होता है, ऑफर्ड 5% बढ़ जाता, 5% प्रॉफिट बढ़ जाता। मुझे ये चाहिए, आपका डिफरेंस देखता हूँ तो 18% आता और इस 18% की वैल्यू हमारे पास आ गई 450 रुपए। और मुझे चाहिए 100%, तो 450 बटे 18 मल्टीप्लाई आपका 100 करोगे तो 9 से करोगे तो ये 9 से कटेगा तो 9 दूनी 18 हो गया और 9 से काटो 45 25, मतलब आपका आ जाएगा 2500 रुपये आपका टेबल का आ गया। तो आपको समझ आ रहा है ये कॉन्सेप्ट कैसा अप्लाई हो रहा है, कैसे अप्लाई हो रहा है, देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास ये है और इसी सेकेंड क्वेश्चन के साथ ही हम समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि अमैन टेबल सोल्ड, मतलब एक आदमी है उसने क्या किया, टेबल को एक खरीदना चाहा, उसने ये एस्टीमेट वैल्यू होती, ये एस्टीमेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता और इसे कि मैं कह सकता हूँ कि आपका ये सीपी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उसने ऑफर करता है कि उसने पहले जब शुरू शुरू उसने क्या किया कि इसको 13% के प्रॉफिट में बेच रहा था, लेकिन एक बात करा, यदि वो 25 रुपये और बढ़ाया होता, 25 रुपये और यदि अधिक बढ़ा दिया होता तो इसका पैसा कितना हो जाता, 18%। तो मुझे पता चल गया, तो सीपी बताना, टेबल की सीपी बताना, मुझे पता चल गया इसका डिफरेंस निकालना और डिफरेंस की बात करूं तो मेरे पास 5 आ गया। कितना आ गया? 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास 25, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके आ गई 25, 5 आ गई और मुझे चाहिए 100, तो 100 आप मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 500, दैट इज योर आंसर। समझ आ गया बात? ओके, समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, आपके साथ है, इस क्वेश्चन को आप समझोगे और एक बार आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे। क्या कहता है कि एक टेबल है और इस क्वेश्चन के मतलब है कि पहले मान लो टेबल कमरा कुछ भी होता है तो क्या करता है कि उसने उसे उस टेबल की यदि रकम देखी जाए तो 19% का लॉस पर उसने बेच रहा था, 19% के लॉस पर वो बेच रहा था। लेकिन ट्विस्ट आया इस क्वेश्चन में, क्या ट्विस्ट आता है कि वो ना जब 19% की लॉस पर बेच रहा था तो आपका क्या हुआ, लेकिन उसने पैसे अब अपने मार्क प्राइस या उसमें बढ़ा दिया, 162 रुपये बढ़ाया। जैसे उसने 162 बढ़ाया तो 117 रुपये बढ़ गया। तो अब हमें पता चल गया कि कितने का डिफरेंट आ रहा है, 36 का। कितने का डिफरेंट आ रहा है, 36। इस 36 की वैल्यू मुझे 12 है, तो आपको पता चल गया कि 36 बटे आपका आया, मल्टीप्लाई में आप 100 करोगे, यहाँ 36 से काटो 18 नहीं है 162 और 18 दून 36, 50 गुणे 9 मतलब 45, 450 दैट इज योर आंसर। आ गया बात? ओके, तो आप ये आपकी मैं बता दूं आपसे, ये रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है और इस रिकॉर्डिंग क्लास का एम ये है कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। तो इसी के लिए धन्यवाद करता हूँ आपका, अनअकैडमी स्टूडियो ऑल में बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक बात ध्यान रखा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं, आप सब्सक्रिप्शन लेते समय SRKS क्या भूलना है, SRK लाइव ना भूलें, जिससे SRK लाइव आप ना भूलें, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला। तो रहने दें, यहीं तक आज रहने देंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।